अच्छा, अब हम देख रहे हैं जावा के अंदर हमारे पास एक क्लास यूज होती है स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर क्लास हमारे पास क्या करती है, ये यूजर से इनपुट लेती है, ठीक है। मतलब अगर हमें यूजर से कोई भी वैल्यू लेनी हो, इनपुट करवानी हो, तब हम यहाँ पे कौन सी क्लास यूज करते हैं, स्कैनर क्लास, जो कि बिल्ट इन क्लास है जावा के अंदर, मतलब पहले से ये बनी हुई है, ठीक है। अभी स्कैनर क्लास काम किस तरह से करती है इसको देखो। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये एक फिगर है, ठीक है, इसमें ये जो जावा का लोगो है ये हमारा सपोज करो कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, जावा का प्रोग्राम है, और हम जावा के प्रोग्राम में, ठीक है, वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करते हैं, मतलब अगर यूजर ने कोई भी डेटा इंसर्ट करना है वो किसके थ्रू इंसर्ट करेगा, कीबोर्ड के थ्रू इंसर्ट करेगा, ठीक है। अब जब यूजर कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डेटा एंटर करता है वो डायरेक्ट आपके पास जावा के प्रोग्राम में नहीं जाता, सही है, बीच में आपके पास एक मीडियम होता है, सही है, जो कि आप इसको कह सकते हो ये एक मेमोरी है, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज, जिसका नाम आपके पास क्या है, बफर, ठीक है। बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज, मतलब आप जब भी कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप करोगे वो पहले किसके पास जाएगी, बफर के पास जाएगी, मतलब डायरेक्ट आपके टाइप करने के बाद ये जावा के प्रोग्राम में नहीं जाएगी, सबसे पहले इसे कौन रिसीव करेगा, बफर रिसीव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन का एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, आपको याद होगा हम सिस्टम डॉट आउट यूज करते हैं कोई भी चीज प्रिंट करवाने के लिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट फिर प्रिंट एलन, मतलब कोई भी हमें डेटा प्रिंट करवाना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, उसी तरह सिस्टम डॉट इन ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्या काम करता है, ये आपके पास कीबोर्ड से डेटा लेता है और किस में सेव करवाता है, बफर में सेव करवाता है, मतलब सिस्टम डॉट इन के ऑब्जेक्ट का क्या काम है कि वो आपके कीबोर्ड से वैल्यू लेगा और किस में सेव करवा देगा, बफर की मेमोरी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो बफर है ना इसके अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है, देखो अगर यूजर कीबोर्ड से टाइप करता है 25, सही है, तो आपके पास इस बफर की मेमोरी के अंदर जो डेटा सेव होता है ना वो रॉ कैरेक्टर्स में सेव होता है। रॉ कैरेक्टर्स का मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आऊं, इसके अंदर अगर उसने डेटा टाइप किया है 25, सही है, 25 उसने डेटा टाइप किया है, तो ये जो 25 है ना ये एक साथ पूरा एक वर्ड नहीं है, मतलब 25 नहीं है, ये 2 है और 5 है। अब ये 2 और 5 कुछ भी हो सकता है, ये कैरेक्टर भी हो सकता है, मतलब आपके पास नंबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बफर इसको एज अ रॉ कैरेक्टर सेव करती है, सही है। फिर इसके बाद अगर यही 25 हमें अपने जावा के प्रोग्राम के अंदर चाहिए, तब हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। ये नेक्स्ट इंट मेथड किसका है, स्कैनर क्लास का, स्कैनर क्लास का ये क्या है, एक मेथड है, और इस मेथड का क्या काम है कि जो भी बफर के अंदर डेटा है उसको ये उठाता है और कहां पे ले जाता है, जावा के प्रोग्राम में ले जाता है, और एक और काम है इसका कि इस डेटा को जो कि रॉ कैरेक्टर्स में सेव है इसको कन्वर्ट किस में करता है, इंटीजर में, सही है, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहां बफर में से मेमोरी उठाएगा, मतलब डेटा उठाएगा और उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, उसके बाद किसको देगा, आपके जावा के प्रोग्राम को देगा, सही है। अब देखो यहां पे स्कैनर क्लास का क्या काम हुआ, मतलब अगर कीबोर्ड से डेटा ये लेकर आ रहा है सिस्टम डॉट इन और यहां से जो डेटा गेट कर रहा है वो नेक्स्ट इंट है, मतलब मेथड है, तो यहां पे स्कैनर क्लास का क्या काम हुआ, स्कैनर क्लास का काम ये हुआ कि ये जो मेथड है ना ये स्कैनर क्लास के अंदर मौजूद है, मतलब हम इस मेथड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें स्कैनर क्लास यूज करनी पड़ेगी लाजमी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आऊं आपको, अब देखो ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं, द स्कैनर क्लास अलाउज द यूजर टू रीड और एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, मतलब हम सिर्फ नंबर्स में वैल्यू नहीं ले सकते यूजर से, हम चाहे फ्लोट में लें चाहे हम स्ट्रिंग्स में लें, ठीक है, डेसिमल में लें, वो हमारी मर्जी है, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे
दूसरा पॉइंट आप पढ़ो, इट ब्रेक्स द इनपुट इनटू टोकन्स। यहाँ पे जो मैंने अभी बताया ना आपको कि बफर के अंदर हमारे पास जो डेटा सेव होता है वो रॉ कैरेक्टर्स में सेव होता है, इसका मतलब टोकन्स में सेव होता है। और इसको रीड कौन करता है आपके पास, जिस तरह एक मेथड है, मतलब अगर यहाँ पे मुझे नंबर्स अपने जावा के प्रोग्राम में लेकर आने ना, सिर्फ तब मैं यूज करूंगा नेक्स्ट इंट का फंक्शन, नेक्स्ट इंट का मेथड। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग हो, तब मैं यहाँ पे एक और मेथड यूज होता है नेक्स्ट लाइन का, सही है। मतलब जो भी यहाँ पे डेटा होगा ना उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, सही है, एक मेथड नहीं है। वो मेथड कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, मतलब अब यहाँ पे डेटा टाइप्स हैं, मतलब अगर मुझे बाइट की डेटा टाइप का डेटा चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, नेक्स्ट बाइट। अगर इंटीजर टाइप का चाहिए नेक्स्ट इंट। फिर इसी तरह लॉन्ग, जो कि इंटीजर मतलब एक बड़ी इंटीजर वैल्यू लेता है, मतलब जिसमें हम ज्यादा नंबर स्टोर करवा सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट लॉन्ग, फिर नेक्स्ट फ्लोट, फिर नेक्स्ट डबल। और इसी तरह जो अभी मैंने बताया नेक्स्ट लाइन किसके लिए यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक क्लास है आपके पास, ये जो मैंने अभी बताया स्कैनर क्या है, एक क्लास है, ठीक है। और जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होगा तब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही है। हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट पढ़े थे, क्लास क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बीइंग्स हो, ठीक है, आप क्या हो, एक क्लास हो, मतलब आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट हो, सही है। एक क्लास है ह्यूमन, आप सब उनके क्या हो, ऑब्जेक्ट्स हो, सही है, जो के रेफर करते हो आप अपनी क्लास को कि आप इस क्लास से बिलोंग करते हो, सही है। तो इसी तरह इस क्लास को यूज करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है, सही है। अब देखो मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आप इस लाइन को नोट करो, स्कैनर क्लास है और ये इनपुट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, सही है। मतलब हम इस क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और न्यू क्या करता है, कीवर्ड हमारे पास मेमोरी के अंदर एक न्यू लोकेशन असाइन करता है, मतलब ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, इसको एक नई लोकेशन दे देगा हमारी मेमोरी के अंदर, सही है। फिर इसी तरह स्कैनर और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, मैंने बताया था ना ये क्या होता है आपके पास, कंस्ट्रक्टर, ये जो आपके पास ब्रैकेट्स होते हैं, और इसके अंदर हम कौन सा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, सिस्टम डॉट इन, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ये जो सिस्टम डॉट इन है इसका काम है कीबोर्ड से डेटा लेकर बफर के अंदर स्टोर करना, सही है। तो इसलिए इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या पास किया, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो अब इसको यूज करते हैं कि हम इसको यूज किस तरह से करते हैं, यहां पे आता हूं मैं नेटबीन्स में। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ न्यू, और यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू, फिर इसी तरह स्कैनर, और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। अच्छा देखो अभी एरर देगा, ये एरर क्यों देगा, क्योंकि हमारे पास ये जो स्कैनर की क्लास है ना ये एक लाइब्रेरी में रखी हुई है, और हमें उस लाइब्रेरी को कॉल करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, सही है। इंपोर्ट किस तरह से करवाएंगे, मैं यहाँ टॉप पे जाता हूँ, देखो ये जो मेरा पैकेज है ना इसके अंदर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं इंपोर्ट का, इंपोर्ट मतलब किसी भी लाइब्रेरी को हमें कॉल करवाना है अगर अपने पैकेज के अंदर, तब हम क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट का कीवर्ड। फिर उसके बाद जावा डॉट यूटिल, और इसके बाद दोबारा डॉट, और अब यहाँ पे हम एक क्लास यूज करेंगे स्कैनर की, देख रहे हो, मतलब जावा का एक यूटिल पैकेज है उसके अंदर हमारे पास ये क्लास मौजूद है, सही है। हमें ये लाजमी ऐड करवानी है जब हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे, वरना हमारे पास एरर आता रहेगा। देखो अगर अभी मैं यहाँ पे आऊं, अब एरर चला गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा हटा दूं, ठीक है, तो यहां पे आके अगर मैं इसको सेव करता हूं तो अब देखो दोबारा एरर आ रहा है। अच्छा एक और तरीका है हमारे पास, देखो यहां पे आके डबल क्लिक करो, और यहां पे अब आप क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन एड इंपोर्ट, मतलब आप अगर लिखते नहीं हो ऊपर जाके, आप यहां पे डायरेक्ट डबल क्लिक करो, ठीक है, एरर चला गया, और ऊपर जाके देखो आपके पास वही क्लास ऐड हो गई, मतलब वही लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, ठीक है। दो तरीके ऐड करने के, सही है। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, सही है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, सही है,
और यहाँ पे मैं इसको ये जो इसका एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एस, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने ऑब्जेक्ट, इनपुट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर एक मेथड है जो कि मैंने बताया था यहाँ पे नेक्स्ट इंट, सॉरी नेक्स्ट इंट नहीं नेक्स्ट लाइन, क्योंकि अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड ले रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन का। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीजर प्रिंट करवाना हो, या हम एक काम करते हैं, पहले मैंने आपको नेक्स्ट इंट का बताया था ना, तो हम एक इंटीजर प्रिंट करवाते हैं, सही है। मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सी, ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इनपुट, उसके अंदर जो मेथड है जिसका क्या नाम है, नेक्स्ट इंट, देख रहे हो। मतलब हमारे पास जो भी स्कैनर, मतलब जो भी यूजर इनपुट करेगा, वो पहले क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और फिर किसके पास चला जाएगा, सी के वेरिएबल के पास चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके एस आउट करवाऊं और यहाँ पे सी प्रिंट करवाऊं, सही है, देखो अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, अब देखो प्रोग्राम हमारा यहां पे रन हो गया। अभी ये देखो रुका हुआ है, रुका हुआ क्यों है, इसका मकसद कि ये हमसे कोई नंबर मांग रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे 2 लिखूं और एंटर करूं, तो देखो इसने दोबारा 2 प्रिंट करवा दिया। तो इसका तरीका ये है कि जब भी आप यहां पे फॉर एग्जाम्पल उससे कोई भी नंबर लो ना, तो आप उसको एक मैसेज प्रिंट करवाओ, जिस तरह हम सी लैंग्वेज में करते थे कि एंटर अ नंबर, ताकि आपके यूजर को पता चले कि आप क्या करवाना चाह रहे हो उससे, सही है, ये मैसेज डिस्प्ले करवा दो। तो यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं, तो देखो अब क्या आ रहा है, एंटर अ नंबर। अब यहां पे आप अगर 23 डालो और एंटर करो, तो भाई 23 दोबारा प्रिंट हो रहा है। इसको और क्लियर करने के लिए आप क्या करो, मैसेज यहां पे प्रिंट करवा दो, मैसेज यहां पे आप प्रिंट करवा दो, यू एंटर्ड, सही है, और यहां पे आके इसको कॉन्केटिनेट करवा दो, सही है। अब अगर यहां पे आके आप इसको रन करते हो, तो देखो अभी पहले नंबर मांग रहा है, ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने दिया इसको 25, एंटर किया, तो देखो क्या मैसेज प्रिंट करवाया इसने, यू एंटर्ड 25, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं यहां पे इस पोर्शन को कमेंट करता हूं, सही है, और यहां पे आके अब मैं कोई स्ट्रिंग इनपुट लेता हूं यूजर से, और उसके लिए मैंने अभी बताया कौन सा हम ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको कहता हूं इसी तरह से मैसेज प्रिंट करवाता हूं यहां पे, और इसको मैं कहता हूं Enter your name, सही है। इसको मैं यहां से कट करके ऊपर ले जाता हूं, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये इनपुट ले रही है, सही है। और जो भी मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है, वो इस लाइन से पहले प्रिंट करवाना है, ठीक है, ताकि पहले मैसेज प्रिंट हो, उसके बाद हमसे वो इनपुट ले, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आता हूं इसी तरह एस आउट, और अब मैं यहां पे कहता हूं योर नेम इज, सही है, और यहां पे मैं कौन सा वेरिएबल कॉन्केटिनेट करवा दूंगा, एस का वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, जिसके अंदर यूजर कोई ना कोई नेम इनपुट करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे आके इसको रन करता हूं, तो ये देखो एंटर योर नेम आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखता हूं आदिल, एंटर करता हूं, तो देखो उसने क्या प्रिंट करवाया, योर नेम इज, ठीक है। अभी हमने इंटीजर और स्ट्रिंग का देखा, अब आपकी मर्जी है कि आप फ्लोट में देखना चाहो, ठीक है, मतलब जिस तरह पॉइंट्स में करना चाहो, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको ये फंक्शन बताए सारे, ये देखो नीचे देख रहे हो। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर चाहिए, तो आप नेक्स्ट लॉन्ग यूज कर सकते हो, सही है। मतलब अगर आपको बहुत बड़ा इंटीजर नंबर चाहिए, तो आप लॉन्ग यूज कर सकते हो, सही है। तो ये सारे क्या है, इसके मेथड्स हैं, किसके, स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं, क्लियर है। अच्छा देखो एक बात और याद रखना, जब भी हमें स्कैनर क्लास को यूज करना है, तब हमें ये लाइन लाजमी लिखनी है। इसका मतलब कि स्कैनर क्लास का हमें ऑब्जेक्ट लाजमी बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है इनपुट। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं स्कैनर की क्लास को यूज नहीं कर सकता, ठीक है, ये कंपलसरी है।
क्योंकि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे ना हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक ह्यूमन की क्लास है, ठीक है, तो ह्यूमन की क्लास तो मुझे नजर नहीं आती ना, मुझे उसके ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लियर है।